नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर गिरीश। दोस्तों, मैं आज आपको गूगल एडवर्ड में कैसे हमारा वीडियो हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद कैसे हम गूगल पे के थ्रू पेमेंट हो जाने के बाद कैसे कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम मेन स्क्रीन जो है हमारा यहाँ पे आ जाएंगे गूगल क्रोम में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी गूगल एडसेंस एडवर्ड की जो वेबसाइट है उसको मैंने ऑन कर दिया है। उसमें मैंने यहाँ पे साइन इन करना है। सबसे पहले आपको साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने ऑलरेडी दो कैंपेन बना के रखे हुए हैं, जो मेरा अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है गूगल एड। तो गूगल एड्स जो है वो दोस्तों ये है कि आपको अगर कहीं पे गूगल की जो प्रोडक्ट है वहाँ पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है आपकी वेबसाइट की, आपकी वीडियो की, आपको कोई भी प्रमोशन करना है अपने बिजनेस का, तो आप गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे और उसमें गूगल एड्स में अगर आपको ऐड देना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल एड्स के अंदर कैंपेन बनाना होगा। गूगल एड का जो है कैंपेन बनाना पड़ता है हमें। वो कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो कैंपेन जो है वो बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी ये कैंपेन चल रहा है अभी। तो सबसे पहले यहाँ टूल सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पे सब ऑप्शंस आपको दिए हैं, बिलिंग के रिगार्डिंग, सेटअप के रिगार्डिंग, मेजरमेंट के रिगार्डिंग, बल्क एक्शन के रिगार्डिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी, प्लानिंग कीवर्ड का अगर आपको प्लानिंग करना है, कुछ भी आपको शेयर करना है और उसका बिलिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरा रिपोर्ट अगर आपको देखना है अपने एडवर्टाइजमेंट का तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी सर्च करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप बनाना हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। वीडियो कैंपेनिंग करना है आपको तो भी वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो जितने भी आपके कैंपेन हैं उसमें रिमूव अगर आपने किए हैं तो वो सारे लिस्ट जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से गूगल का जो एड्स है वो कुछ वर्क कर रहा है। मैंने इतने सारे कैंपेन जो है वो ऑलरेडी बनाए हुए और उसको डिलीट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको एक नया कैंपेन बनाना है तो आप कहाँ से बना सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे कैंपेन में। कैंपेन में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे हम नया कैंपेन। अगर हमें करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सेलिंग के रिगार्डिंग कैंपेन करना है, लीड्स जनरेट करनी है, वेब ट्रैफिक जनरेट करना है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिस्टेंट करना है आपको, क्रिएट अ कैंपेन, ऐप प्रमोशन करना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है। जो भी आप अपने प्रोडक्ट किसके रिगार्डिंग है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे प्रोडक्ट और ब्रांड के कंसिस्टेंट रिगार्डिंग मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है। YouTube का जो मेरा वीडियो है उसका मुझे प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिस्टेंसी में आएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट कैंपेन टाइप किस तरह का आपको टेम्पलेट, खाली डिस्प्ले करवाना है या तो फिर आपका जो वीडियो है गेट मोर पीपल टू कंसिस्टेंट यूर प्रोडक्ट और ब्रांड विथ वीडियो एड प्रमोट। अगर आपको वीडियो एड करना है तो आप वीडियो पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट कैंपेनिंग सब टाइप आपका कौन सा रहेगा, तो इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन रखना है, शॉपिंग के रिगार्डिंग रखना है, एड सीक्वेंस रखना है, मेरा भी इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा वीडियो कैंपेनिंग, इसमें आएगा प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसंट्रेंट, उसके अंदर कैंपेनिंग नेम, यहाँ पे आपको अपने जो कैंपेन है उसका नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक नेम दे के रखा है तो किसका, किस चीज़ का मुझे किस वीडियो का प्रमोशन करना है तो उसका आपको नाम देना होगा। जैसे मुझे अभी इस वीडियो का जो है वो प्रमोशन करना है तो मैं इस वीडियो में जाऊंगा और यहाँ पे इसका
एडिट वीडियो में जैसे जाएंगे तो पूरा हमारा जो एडिट का वीडियो है वो आ जाएगा। मुझे भी इसका प्रमोशन करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। यहाँ से ऐड कैंपेन में जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे नाम, ये हमने दे दिया इसका नाम। फिर बीडिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है तो एज इट इज़ वही रहेगी। बजट एंड डेट्स, आपको कौन सी डेट में डेली बजट रखना है आपका, या तो फिर कैंपेनिंग टोटल रखना है तो मैं डेली बजट रखता हूँ, हर दिन मेरा 50 रुपये का बजट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी डेट से स्टार्ट होना चाहिए तो डेट जो स्टार्टिंग की है वो 29 रहेगा, और एंडिंग डेट कौन सा रखना है तो एंडिंग डेट जो है वो मेरा 15 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो ये 15 दिन का मैंने शेड्यूल जो है वो सिलेक्ट किया है। आप याद रखिए मिनिमम 15 दिन का आपको शेड्यूल रखना चाहिए ताकि जो हमारा सर्च इंजन है यूट्यूब का वो उसमें कीवर्ड्स हमारे ऐड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क में आपको दोस्तों कौन कौन सा रखना है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट आना चाहिए, यूट्यूब वीडियो आना चाहिए, तो मेरा यूट्यूब पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क तो ये मैं निकाल देता हूँ। वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क नहीं रखना है, यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब सर्च ऑनली, ये भी आप हटा सकते हो, ठीक है। मैं अभी दोनों रख रहा हूँ। यहाँ पे लोकेशन आपको, टारगेट ऑडियंस आपका कौन सा है, कौन से ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, कौन सी कंट्री में आपको ये दिखाना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, या तो फिर खाली इंडिया में दिखाना है तो एंटर लोकेशन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लोकेशन ऐड कर सकते हैं इंडिया, देन और दूसरी जो भी कंट्रीज है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे करना है पाकिस्तान तो पाकिस्तान में आ जाएगा, उसके बाद आएगा बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पर मेरी लैंग्वेज को जानने वाले हैं वहाँ वहाँ, और नेपाल भी आएगा इसमें, नेपाल, ठीक है। तो मैंने ये चार कंट्री जो है वो ऐड की है। उसके बाद लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएगी दूसरी हिंदी, तो मैं यहाँ पे सिंपल हिंदी टाइप कर देता हूँ तो आ जाएगी हिंदी। उसके बाद मुझे दूसरी लैंग्वेज जो करनी है वो है उर्दू, तो उर्दू आ जाएगी। तीनों आप लैंग्वेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी टाइप में आपको कौन रखना है, स्टैंडर्ड टाइप ही रखेंगे यहाँ पर, एंड देन एक्सक्लूड टाइप एंड लेबल्स वो इट इज ही रहेगा। ग्रुप का नाम क्या देना है तो मैं वही नाम दूंगा जो मैंने अभी दिया है। उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑडियंस आपकी कितनी एज की और कौन से जेंडर की रहेगी, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, अनो कौन सी एज की आपकी टारगेट ऑडियंस है, कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको प्रमोशन करना है, जो आपकी ऑडियंस रहेगी वो कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहेंगी। यहाँ पे मैंने ऑडियंस का जो मेरा डेटा था वो मैंने ऑलरेडी पहले करके रखा था। उसके बाद अगर आपको कीवर्ड ऐड करना है तो आप डायरेक्टली कीवर्ड यहां से ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां पे अभी मेरे कीवर्ड्स है देख सकते हैं, इलस्ट्रेटर के रिगार्डिंग ये ट्यूटोरियल है तो आप इलस्ट्रेटर का एक कीवर्ड यहां से ऐड कर सकते हैं। फिर एंटर दे के आप दूसरा कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लैट डिज़ाइन है, और ऐसे आप कीवर्ड परचेस भी कर सकते हैं अगर आपको देखना है गूगल में कि कौन कौन से, तो आप यहाँ से कीवर्ड प्लानर जो है उसका भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से गूगल एडवर्ड में चला जाता हूँ, एडवर्ड यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स, मुझे जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं अभी कौन सा कीवर्ड जो है वो मेरे सबसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है गूगल इंजन सर्च इंजन में, तो आपको गूगल एडवर्ड जो है वो आपको सपोर्ट करता है, पूरा कीवर्ड प्लानर आपको देता है। यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे कीवर्ड प्लानर, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी प्लान करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे, यहाँ पे सर्च करेंगे इलस्ट्रेटर एंड फ्लैट डिज़ाइन, गेट अ रिजल्ट, तो यहाँ से गूगल जो है वो ऑटोमेटिक मुझे सर्च करके देगा कि फ्लैट डिज़ाइन कितने लोग एवरेज मंथली सर्च, इस वर्ड को मंथली इतने लोग सर्च करते हैं, और यहाँ पे इसका प्राइस ये है। तो इस तरह से आप गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपको जितने भी कीवर्ड्स डालने हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं।
कीवर्ड्स डालने के बाद अगर आपको एंटर योर प्रोडक्ट सर्विस, अगर आपका कोई वेब यूआरएल है तो आप यहां से एंटर कर सकते हैं। टॉपिक आपको अगर जनरेट करना है यहां से, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कंप्यूटर के रिगार्डिंग में रहे तो टॉपिक आप यहां से ऐड कर सकते हैं। प्लेसमेंट अगर आपको ऐड करना है यहां से, वीडियो चैनल्स पे आने चाहिए तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। बिडिंग सीपीसी अगर आपको यहां से ऐड करने, मैक्सिमम सीपीसी कितने पैसे आपको क्लिक पर व्यू पे देने हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट योर ओन वीडियो, कौन से वीडियो की आपको एडवर्टाइजमेंट करना है वो आपको यूआरएल यहां से अगर आपको चाहिए तो यहां से आप दे सकते हैं। उसका यूआरएल कॉपी कीजिए और यहां पे वो यूआरएल लाके पेस्ट कर दीजिए, आपका वीडियो यहां पे आ जाएगा। वीडियो डिस्कवरी ऐड कैसे ऐड आएगा आपका वो यहां पे दिखाएगा, डेस्कटॉप पे कैसा आएगा एंड मोबाइल में कैसा आएगा। थंबनेल कौन सा रखना है, हेडलाइन आपको कौन सा देना है तो वही हेडलाइन देंगे जो भी हमारे वीडियो की हेडलाइन है। हाँ, डिस्क्रिप्शन कौन सा देना है तो किसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो कि आइसोमेट्रिक के रिगार्डिंग ये वीडियो है मेरा, यहाँ पे दे देंगे। इसमें एरर बता रहा है कि बता रहा है क्योंकि 35 वर्ड ही हम यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाल दिए, कम कर देते हैं। और दूसरे हेडलाइन जो है उसमें जो दूसरा कीवर्ड चाहिए मुझे वो यहाँ पे डाल देंगे। सेकंड हेडलाइन यहाँ पे ऐड कैंपेन का नाम हम दे देंगे, तो यहाँ से ये मैंने नाम दे दिए। और क्रिएट कैंपेन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब ये मेरा कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे एरर आई है, अ कैंपेन विद दिस नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये एरर ये है कि मैंने ऑलरेडी मेरा जो कैंपेन है उसमें ये ऑलरेडी मैंने कैंपेन बनाया हुआ है इसी नाम से, तो ये एरर बता रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कोई नाम दे देता हूँ, इसको हटा देते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट कैंपेन करते हैं, तो ये कैंपेन जो है वो मेरा हो गया है। और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, कौन सी डेट से आपका कैंपेन स्टार्ट होगा, कहाँ कौन सी कंट्री में दिखेगा, कौन कौन सी लैंग्वेज जो जानने वाले वहाँ पे दिखेगा। कंटिन्यू टू कैंपेन, ये कैंपेन जो है मेरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कैंपेन। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है आपको, तो पेमेंट करने के लिए आपको टूल सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आएगा आपका बिलिंग, बिलिंग समरी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कल गूगल पे से मेरे अकाउंट में मैंने 1000 रुपीज़ जो है वो ऐड किया था। अगर आपको भी इस तरह से पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट में जाइए और ये गूगल पे से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते हैं, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, लिंक बाय पेटीएम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप मेक पेमेंट प्रेस करेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको आपको फॉलो करना है। ये मैंने सब फॉलो किया था तो ये मेरा अभी पेमेंट यहाँ पे है और जल्द ही मेरा जो कैंपेनिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से आप जो भी है वो वीडियो कैंपेन ऑन गूगल एड्स पे आप कर सकते हैं। तो ये आपको मेरा जो, और इसको निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, यहाँ से रिमूव कैंपेन रिमूव करके कन्फर्म कर दो, ये कैंपेन जो हमने किया है वो रिमूव हो जाएगा, ये अब निकल गया है, मैंने जो बनाया था वो निकल गया। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एलिजिबल है, ये कौन सा कैंपेन है तो वीडियो डिस्कवरी, ये मैंने कैंपेन रखा है वो कौन सा डिस्प्लेंगे, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से रिमूव कन्फर्म, ये मेरा एंगेज जो है हो गया है। अभी यहाँ पे एक्टिव कौन कौन से वो खाली देखना है तो ऑल अनेबल, तो ये है एक, ये एक्टिव है जिसमें कुछ है नहीं, एक ये एक्टिव है जिसमें एक ये वीडियो, वीडियो डिस्कवरी और ये लास्ट जो हमने किया एक ही मेरा अभी करंटली एक्टिव है जो वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं आइकन्स, वो बता रहा है कि वीडियो डिस्कवरी है और ये जो है हमारा वो अभी मैंने डिलीट कर दिया वो है। तो होप दोस्तों ये मेरा जो वीडियो पूरा है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर और भी ऐसे में अगर दूसरे वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।